हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। हाय सरकार, हाय हाय सरकार, हाय हाय भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रदर्शन हमारा जो है मोदी और महबूबा सरकार के खिलाफ है। हम इन सरकारों से पूछना चाहते हैं कि क्या देश के किसी कोने के अंदर तिरंगा फहराना कोई अपराध है? क्या तिरंगा फहराने वाले को धारा 144 की आड़ में पुलिस हिरासत में लिया जाना चाहिए? क्या ऐसा कोई कानून है कि कोई तिरंगा फहराने के लिए अगर लाल चौक या देश के किसी भी कोने में जाता है तो वहाँ पर जो है कानून व्यवस्था खराब होने का डर है? अगर इन सरकारों का जवाब हाँ है तो हम मानते हैं कि इन सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। ये देश के हर नागरिक के अधिकारों को छीन रहे हैं। तिरंगा फहराना हर नागरिक, हर देश का, हर देश वाले का धर्म है। सर, आपका मनीष सहनी, जनरल सेक्रेटरी महासचिव, जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई। कश्मीर गए थे आप, क्या हुआ वहाँ पे पूरा बताइए। हमने सुबह कश्मीर हम पहुँच गए थे सुबह 5 बजे। हमें पता था कि ये यहाँ पर हमें पुलिस हिरासत में ले लिया जाएगा। इसी तरीके से हमने एक डॉस देते हुए पुलिस को, हमने इनको 11:30 बजे का टाइम दिया तिरंगा फहराने के लिए, मीडिया को भी 11:30 बजे का टाइम दिया, मगर हम सुबह 6 बजे ही लाल चौक पहुँच गए थे कुछ एक दर्जन शिव सैनिक, और हमने वहाँ जैसे ही तिरंगा फहराने के लिए तिरंगा लहराने की कोशिश की और एक बार लहराया भी। उसकी हम फ़ोटो आपको नहीं दे सकते क्योंकि सारी फ़ोटोज़ हमारी पुलिस SHO ने वहाँ पर, कोठी बाग पुलिस स्टेशन ने वहाँ पर हमारी सारी फ़ोटोज़ वगैरह, पिक्चर जो हमने वीडियो बनाई थी वो डिलीट कर दी गई। हमने तिरंगा फहराया, उसके बाद हमें सारे पुलिस कर्मियों ने, जो काफ़ी तादाद के अंदर थे हम दर्जन शिव सैनिकों को, जबरन पुलिस गाड़ियों में बिठाकर हिरासत में ले लिया गया और वहाँ से हमें कोठी बाग पुलिस थाने ले गए। करीब 1 घंटा वहाँ रखने के बाद हमने यहाँ DGP वैद साहब से बात की, उनको फ़ोन पे बताया कि हमने कोई जुल्म नहीं किया है, हमने कोई अपराध नहीं किया है। तो DGP साहब ने दोबारा वहाँ पर श्रीनगर के अंदर SHO को फ़ोन किया और उसके बाद हमें वहाँ से हिरासत से निकाला गया 30 मिनट के बाद। मगर उसके बाद जैसे ही हम पत्रकारों से रूबरू होने की कोशिश कर रहे थे, उनको हमने 11:30 बजे का श्रीनगर के अंदर प्रेस मीडिया कॉलोनी जो है वहाँ पर समय दिया था उनको रूबरू के लिए, मगर उसके लिए भी हमें वहाँ नहीं भेजा गया। हमें जबरन रास्ते से ही उठा लिया गया और SHO साहब फिर हमें वहाँ पर थाने के अंदर ले गए और करीब 1 बजे हमें वहाँ से जवाहर टनल के पार जाकर छोड़ा गया पुलिस सुरक्षा के बीच। हमारी गाड़ियों को कहीं बीच में रोकने नहीं दिया गया। ये अधिकारों का हनन है। हर झंडा चढ़ाना, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, झंडा चढ़ाना हर उस नागरिक का धर्म है जो हिंदुस्तान का वासी है, और इस अधिकार का हनन हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।